हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता और आप देख रहे हैं अपना चैनल मसाला फ्राई पैन। आज मसाला फ्राई पैन की किचन में बनने जा रही है बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट दही बड़े। आज जो दही बड़े बनाने का मैं तरीका बताऊंगी, उस तरीके से बनाने से एक भी दही बड़े कड़े नहीं रहते, बिल्कुल ही सारे के सारे दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे, मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। और आज मैं सिर्फ मूंग दाल से बनाऊंगी दही बड़े। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध है कि हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा करके ऑल कर दें। और रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए ये डिलीशियस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले ले लें मूंग दाल। आपको जितना दही बड़े बनाना है उसी हिसाब से आप मूंग दाल ले लें। मैंने यहाँ एक बड़ा कप से भर करके मूंग दाल लिया है। ये करीब 250-300 ग्राम होगा। इसे रात में ही आप फूलने के लिए दे दें, या दिन में दे रहे हैं तो 4-5 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो करके रख दें। तो मैंने रात में ही इसे पानी में फूलने के लिए दे दिया था और सुबह उसे मैं दिखाती हूँ कि वो फूल करके कैसे हुए। ये देखिए, रात भर दाल पानी में भिगो करके मैंने रखा था तो वो फूल करके कितने से कितना हो गया है। ये बहुत बढ़ जाता है फूलने के बाद और दाने भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से धो लेंगे 3-4 पानी से। तो धो करके मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने दाल को अच्छी तरीके से धो करके ले लिया एक जाली वाले बर्तन में, क्योंकि इसका सारा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा। इसे टाइट ही पीसना है। ये जितना टाइट रहेगा उतना अच्छा दही बड़े बनेंगे। तो दरदरा इसे पीस लेते हैं। मैंने सारे दाल को दरदरा मोटा ही पीस लिया, ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। तो मैंने दरदरा सा पीस लिया। तो सारे दाल मैं पीस करके ले ली हूँ और ये देखिए कितना गाढ़ा भी बना है। इसमें मैंने पानी यूज बिल्कुल भी नहीं किया, बस बिना पानी के ही इसे पीसा है। ये देखिए ये कितना गाढ़ा पेस्ट बना है। बस इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। और ये दरदरा भी है इस तरह का। थोड़ा दाल मोटा ही पीसेंगे तो दही बड़े या दही भल्ले वो सॉफ्ट बनेंगे। ज़्यादा बारीक पीसने से वो गुठली हो जाती है, तो थोड़ा मैंने दरदरा इसीलिए पीसा है। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। चाहे तो आप हाथ से फेंटें या इस तरह के फेंटने वाले से फेंट लें। मेरे पास फेंटने वाली मशीन है, मैं उससे आपको फेंट करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इसी से फेंट लें, या ये भी नहीं है तो हाथ से फेंट लें। अब मैं आपको मशीन से फेंट करके दिखाती हूँ। आप इसको जितनी ही अच्छी तरीके से फेंट करके हल्का करेंगे, दही बड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको फेंट करके हल्का करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और देखिए ये बैटर कितना था और फेंटते फेंटते ये बढ़ करके कितना हो गया और कितना हल्का हो गया। आप इसे पानी में थोड़ा सा गिरा के देखें, अगर तैरने लगे तो समझें कि वो फेंटा गया है। ये एक तरीका है बैटर को चेक करने का, फेंटाया कि नहीं। अब एक कटोरे में बड़े बर्तन में पानी ले लें, नॉर्मल पानी, और उसमें 1 चम्मच नमक घोल करके साइड में रख दें। बर्तन बड़ा लें जिसमें कि दही बड़े सारे आ जाएं। मैं इसी पानी में दही बड़े डालूंगी। तो यहाँ एक कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब दही बड़े बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। एक गिलास ले लें और उस पर एक गीला रुमाल या किसी भी पतले कॉटन का कपड़ा ले लें और इस तरह से टाइट से लपेट करके इसे पकड़ लें। अब बैटर जो है थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पहले पानी से इस रुमाल को हल्का सा इसे गीला कर लेंगे और थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से इसे गोलाई का आकार देंगे और चिपटा करके अपने हाथों पे यूँ पलट करके इसे ले लेंगे। कपड़ा गीला रहता है इसलिए बहुत ही आसानी से हाथों पर ये आ जाता है।
तो इधर तेल भी देख लेंगे गरम हुआ कि नहीं। तो तेल को अच्छे से कड़का के गरम करना है और फ्लेम फिर मीडियम कर देना है। और इसी तरह से गिलास पे यूं कपड़े पे बना बना करके दही बड़े को लेते जाना है और इसमें डालते जाना है तलने के लिए। लेकिन हाँ, कपड़े को बार बार पानी से पोंछते रहना है, तभी अच्छे से ये हाथ पे निकलेगा। तो देखिए, यूं बनाते जाएं, पानी से पोंछें और इस पे बैटर को हल्का थोड़ा सा लें और गोलाई करके चिपटा करके इसे हाथों पे लें और बस कढ़ाई में डालते जाएं, तलते जाएं। इस तरह से बनाने से ये होगा कि आपके सारे दही बड़े बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगे, वो उसके बीच में गुठलियाँ नहीं आएंगी, वो टाइट नहीं होंगे, ये 100% गारंटी है। हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं और सारे दही बड़े बिल्कुल ही सॉफ्ट बनते हैं। दही बड़े तो मैं बनाने बता रही हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा करके ऑल कर दें, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें खुशी मिलेगी और हम नई नई रेसिपियां आपके साथ शेयर करेंगे। बस सारे दही बड़े या दही भल्ले इसी तरह से बना लें। गोल गोल हाथ से यूँ डालने से क्या होता है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनते, वो गुठली जैसे बन जाते हैं। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ सॉफ्ट बनाने के लिए। और हाँ, आपने जो पहले दही बड़े इसमें डाले हैं तलने के लिए, उसे पलट दें, बस ऐसे ही सभी को उलटते पलटते रहें। तो पहले जो डले हुए हैं उसे पलट दें, और पलटने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखें कि कलर चेंज हो गया है, पक चुका है, तो उसे निकाल लें। तो सभी को आप यूं ही तल लें और सभी को तैयार करके निकाल लें। और इससे निकालते ही डायरेक्ट नमक पानी का जो घोल तैयार किया है उसमें सारे दही बड़ों को तल तल के इसमें डाल दे जाएं। तो सारे दही बड़ों को तल करके इस पानी में डाल दें और इसे फूलने के लिए रख दें। एक कटोरी मैंने दही ले ली है, अब इस दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो फेंटने से इसे अच्छे से फेंट लें। फेंटने से क्या होगा कि दही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और एक जैसी हो जाएगी, तो फेंटना इसे बहुत ज़रूरी है। तो दही को अच्छे से फेंट लिया, ये देखिए हमारी स्मूथ सी दही तैयार हो गई। अब हमने जो दही बड़े बना करके तैयार किए थे उसे मैंने 4-5 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ दिया था। ये देखिए पानी में ये बिल्कुल ही फूल करके सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है और ये बिल्कुल ही खाने के लिए अब तैयार है। तो सभी को ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ना, बिल्कुल रुई जैसी, केक जैसी मुलायम। अब इसके पानी को हथेली पर निचोड़ लेंगे और निचोड़ करके इस दही में डाल देंगे। आपको जितने खाने हैं उतने दही बड़े को पानी निचोड़ करके इस दही में डाल दें। मैं आपको एक दही बड़े तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितने जालीदार और सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बिल्कुल ही स्पंजी हैं, जालीदार हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। यकीन माने आप इस तरह से एक बार ट्राई करें, आपके दही बड़े सारे बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगे। और ये मूंग दाल के दही बड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, मैं इसी का हर बार बनाती हूँ, आप भी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जितनी ज़रूरत है उतने दही बड़े दही में डुबो करके रख लें। अब चले प्लेटिंग करते हैं। तो दही बड़ों को यूँ दही से निकाल लें प्लेट में और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा दही भी डाल दें। अब इसे चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ मसाले डालते हैं। सबसे पहले खट्टी मीठी इमली का चटनी 1 चम्मच डाल दें। अब 1 चम्मच इमली का रस भी डाल दें और अब इसके ऊपर डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखा डालें। अब इस पर डाल देंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब डाल देंगे 1 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर और अब जाएगा इसके ऊपर काला नमक। तो काला नमक इस पर अच्छे से छिड़क दें। अब ये दही बड़े खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। आप इसे और भी कुछ स्वाद देना चाहे तो दे सकते हैं, पर असली दही बड़े का स्वाद तो इसी सब से आता है।
तो हमारी चटपटी सी स्वादिष्ट सॉफ्ट दही बड़े बनकर के बिल्कुल ही तैयार है। आप इस तरह से एक बार अपने घर पे बनाएं और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, और कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।